हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ यूपी पीजीटी विषय कला का सिलेबस डिस्कस करूंगी। इसके पहले मैंने आपसे टीजीटी कला का सिलेबस डिस्कस किया था, आज हम स्टार्ट करेंगे पीजीटी कला का। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। इससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें है विश्व की प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र, जैसे अल्तामीरा स्पेन, लास्कांस, कागुल, भोपालन क्षेत्र, भीमबेटका, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। तो ये सारी चीज़ें पहले प्रागैतिहासिक काल में हैं। इसमें दोनों मिक्स करके दे दिया, इंडियन और वेस्टर्न। जैसे अल्तामीरा, लास्कांस, कागुल ये सारी वेस्टर्न है। जैसे भोपालन क्षेत्र, भीमबेटका, मिर्ज़ापुर, होशंगाबाद ये प्रागैतिहासिक काल इंडियन में पूछता है। ये सारी इंडियन टॉपिक्स हैं तो इसमें दोनों मिक्स करके दिया है, क्योंकि पीजीटी में इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टॉपिक्स रहते हैं वेस्टर्न के। फिर इसके बाद तैयार करने हैं भारतीय चित्रण की परंपरा, जैसे फ्रेस्को सेक्को, अजंता फ्रेस्को, जयपुरी से फ्रेस्को। तो फ्रेस्को सेक्को में इसे अजंता में किन किन माध्यमों में काम हुआ है, जैसे यहाँ फ्रेस्को सेक्को, फ्रेस्को बोनो, वहाँ म्यूरल्स भी बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि फ्रेस्को सेक्को, तो हमें फ्रेस्को सेक्को भी पढ़ने हैं और फ्रेस्को बोनो भी तैयार करना है। अजंता के जितने भी भित्ति चित्रण हैं उनको अच्छे से कम्प्लीट करने हैं। अजंता के अलावा बाघ, एलोरा, शीतल वासन जो टीजीटी में दिया हुआ था, तो टीजीटी में जितनी भी चीज़ें थी वो सारे क्वेश्चन भी पीजीटी में पुट अप करते हैं, और पीजीटी के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टीजीटी में भी आते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हमें सिलेबस को ट्रैक लेके चलना ही है, लेकिन उसके अलावा भी हमें अदर टॉपिक्स को भी पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा गोथिक चित्रकला का इतिहास। फिर उसके बाद भारतीय लघु चित्रकारी और इसकी प्रमुख उपशैलियाँ, जैसे कोटा, बूंदी, मेवाड़, अलवर, किशनगढ़। तो मैंने आपको टीजीटी वाले सिलेबस में भी बताया था कि किशनगढ़ हमें पूरा तैयार करना है, इनके जितने भी केंद्र हैं उनको और उनकी जितनी भी प्रसिद्ध ग्रंथ, जितने भी प्रसिद्ध चित्रण हैं उन्हें सब तैयार करने हैं। सिलेबस में थोड़े थोड़े करके दिए हुए हैं, लेकिन हमें इनके पूरे केंद्र तैयार करने हैं सारे, चाहे वो किशनगढ़ के हों, चाहे वो पहाड़ी के हों, चाहे वो मुग़ल काल के हों। जैसे नेक्स्ट है हमारा मुग़ल अकबर जहांगीर शाहजहाँ। तो मुग़ल काल में जितने भी शासक हैं उनके सारे ग्रंथ, उनके लघु चित्रण, वो सारी चीज़ें तैयार करनी हैं। फिर पहाड़ी में कांगड़ा, बसौली आदि, केवल इसमें दो टॉपिक दे दिया है, लेकिन पहाड़ी के काफ़ी केंद्र हैं, मैंने कल भी आपको बताया था। जैसे कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, बसौली, तो ये सारी चीज़ें हमारी पहाड़ी में आ जाएंगी, तो वो हमें सारी तैयार करनी है। फिर कंपनी स्कूल, जिसको पटना कलम भी कहते हैं, तो कंपनी स्कूल के साथ हमें बंगाल स्कूल, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र, उसके अलावा जितने भी कला ग्रुप हैं उनको भी तैयार करते हुए चलना है, क्योंकि कंपनी स्कूल में क्या था, कंपनी स्कूल में कितने आर्टिस्ट हैं, कौन कौन से आर्टिस्टों ने काम किया, यहाँ सबसे प्रसिद्ध चित्रण कौन सा हुआ, किस माध्यम पर चित्रण किया गया। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बाइजेंटाइन चित्रकला एवं स्टेन ग्लास। फिर बाइजेंटाइन कला हमें तैयार करना है, बाइजेंटाइन कला में से माणिकुट्टम का प्रयोग सबसे अधिक कहाँ हुआ, बाइजेंटाइन कलाकृतियों में सबसे ज़्यादा इनकी विशेषताएं क्या थी, तो बाइजेंटाइन कला में ये सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पुनरुत्थान एवं चरम पुनरुत्थान कालीन यूरोपीय कला। अब पुनरुत्थान काल में, अब चरम मतलब हाई रेनेसा, तीन रेनेसा होते हैं, अर्ली रेनेसा, मध्य रेनेसा, हाई रेनेसा। तो इन पुनरुत्थान काल के अंतर्गत इन तीनों रेनेसा को हमें तैयार करने हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध माना जाता है हाई रेनेसा, जिसको कहा जाता है चरम पुनरुत्थान कालीन। तो इसमें सबसे प्रसिद्ध कलाकार आ जाएंगे, जैसे माइकल एंजिलो, लियोनार्डो दा विंची, रैफेल। तो ये सारे ऐसे प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्तिकार दोनों हैं जिन्होंने मूर्तिकला में भी हासिल किया है सबसे प्रसिद्धि, तो वो सारी चीज़ें हमें पुनरुत्थान काल में तैयार करनी है। फिर उसके बाद आता है हमारा नौ शास्त्रीय कला एवं स्वच्छंदवादी चित्रकला, प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद, अति यथार्थवाद एवं उनके प्रसिद्ध कला एवं चित्रकार। अब इसमें थोड़े थोड़े ही इज्म दिए हुए हैं,
लेकिन हमें पूरे करने हैं इज्म तैयार, जैसे नौ शास्त्रीयतावाद से लेकर हमारा लास्ट आता है ऑ पार्ट एंड पॉ पार्ट। तो इसमें ऑ पार्ट एंड पॉ पार्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पुटअप कर लेता है, तो मैं इसकी भी आपको बुक्स बताऊँगी। कल मैंने TGT के लिए दो बताया था, तो वो PGT के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो आपको मैं दो बुक बताऊंगी, अब TGT PGT की प्रिपरेशन तो एक साथ करनी है, तो ये फोर बुक मुझे इम्पॉर्टेंट लगी है, क्योंकि इससे मैंने भी प्रिपरेशन किया है, तो इसलिए मुझे अच्छी लगी है। अगर आपके पास ये बुक है तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जिनके पास नहीं है वो ये बुक को ले सकते हैं, पर विषय सूची उनको देख लें। विषय सूची अगर आपको पसंद आती है तब आप उसको ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे समकालीन चित्रकला धाराएं एवं प्रसिद्ध चित्रकार, फिर पूर्व पश्चिम की सौंदर्य शास्त्र की तुलनात्मक व्याख्या। मैं सौंदर्य शास्त्र की भी बुक आपसे डिस्कस करूंगी, वो भी काफ़ी अच्छी है, उससे आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें रस और सौंदर्य बोध का कला में स्थान। तो उस रस और सौंदर्य बोध तो पढ़ना ही है, साथ में इंडियन जितने भी फिलॉसफर हैं, वेस्टर्न जितने भी फिलॉसफर हैं, जैसे अरस्तू, प्लेटो, बॉमगार्टन, तो इन सारे फिलॉसफर के सिद्धांत, इन्होंने किस सिद्धांत को अपनाया, इन्होंने कौन कौन से कोटेशंस लिखे, अपने कौन कौन से विचार दिए, वो सारी चीज़ें हमको तैयार करनी है। तो मैं अब आपको नेक्स्ट बुक दिखाती हूँ, बुक है आधुनिक चित्रकला का इतिहास रवि साखलकर की। आप इस बुक से प्रिपरेशन कर सकते हो, इसके अलावा आपके पास जो भी बुक्स हो आप उनसे भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इनकी मैं विषय सूची भी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि इनके क्वेश्चन TGT में भी पूछे जाते हैं, प्लस PGT में तो आते ही आते हैं, तो TGT और PGT दोनों की तैयारी एक साथ करनी है। ये फोर बुक जो मैं आपको बताऊंगी, ये इम्पॉर्टेंट्स बुक थी, आप इनको भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर्स बुक हैं उनके टॉपिक्स उसमें मिलते हैं, तो आप उनसे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें इस बुक में है आधुनिक चित्रकला की पूर्व पीठिका, जिसमें नौ शास्त्रीयतावाद, रोमांसवाद, यथार्थवाद, फिर उसके बाद प्रभाववाद, प्रभाववाद नौ प्रभाववाद है इसमें, उत्तर प्रभाववादी चित्रकार, प्रतीकवाद, जितने भी इसमें हैं सबका सीक्वेंस में इसमें दिया हुआ है, उनके आर्टिस्ट और प्लस उनके वाद, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। दादावादवादी यथार्थवाद, ये सारी चीज़ें इसमें दिया। उसके अलावा कुछ अन्य कलाएँ जैसे अमेरिकी कला, मैक्सिकन कला, वस्तुनिरपेक्ष कला, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो आपको अगर ये बुक सही लगती है तो आप इसको ले सकते हैं, इसमें कुछ आर्टिस्ट के बारे में भी है। अब हम बात करेंगे सौंदर्य शास्त्र की, तो ये बुक है सौंदर्य शास्त्र की, डॉक्टर ममता चतुर्वेदी की। इसमें भी काफ़ी अच्छे मैटर्स हैं सौंदर्य शास्त्र के, ये सौंदर्य शास्त्र का परिचय, सौंदर्य शास्त्र का उद्भव कब हुआ, फिर पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र, इसमें यूनानी एवं रोमन, जिसमें यूनान के फिलॉसफर कौन हैं, रोमन के फिलॉसफर कौन हैं, फिर नौ प्लेटोवाद, उनके फिलॉसफर, सारे फिलॉसफर इसमें दिए हुए हैं। ये UGC नेट JRF के लिए भी काफ़ी बेस्ट है, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। फिर भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, कामसूत्र, जितनी भी फिलॉसफर की जितनी भी ग्रंथ हैं उनके क्वेश्चन TGT में भी आते हैं और PGT में भी आते हैं। तो ये फोर बुक से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में जो है वो तो हमें उसको तो ट्रैक लेकर चलना ही है, लेकिन उसके अलावा अगर अदर हमें कुछ पढ़ने हैं तो हम बुक से पढ़ सकते हैं। फिर भारतीय सौंदर्य तत्व, भारतीय काव्य शास्त्र के अन्य व्याख्याकार एवं मत ध्वनि सिद्धांत, जैसे आनंद वर्धन का है, फिर अलंकरण सिद्धांत आचार्य भामा का है, रीतिमत आचार्य वामन का है, फिर औचित्य सिद्धांत आचार्य क्षेमेंद्र का है, तो ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। फिर आधुनिक सौंदर्य विचारक जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर, आनंद कुमार स्वामी, EV हेवेल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर कांति चंद्र पांडे, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ दास गुप्त, पंचगणेश शास्त्री, डॉक्टर नागेंद्र। तो ये थी बुक की विषय सूची। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ इसे शेयर भी करते चलें। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँगी। थैंक यू।